अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लास. ओपन अप योर बुक्स ऑनलाइन विद कंप्यूटर ग्रेड 3. हमारे पास है पेज नंबर 8 है. आज हम पढ़ेंगे शिफ्ट की के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे? शिफ्ट की के बारे में. ठीक है, सो शिफ्ट की जो है वो हमारे पास यूज़ होता है. जो शिफ्ट की होता है ना, वो कीबोर्ड पे कहाँ होता है? शिफ्ट की दो होती हैं, ठीक है, कीबोर्ड पे. जो एक होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, और एक जो होता है वो अल्फ़ाबेट के राइट साइड पे होता है, ठीक है. और शिफ्ट की जो होता है वो टू कीज़ के कम्बिनेशन से यूज़ होता है, ठीक है. जैसे कि हमने एट साइन लाना है, ठीक है, एट साइन को लिखना है. तो एट साइन ये हमारे पास कीबोर्ड पे ये ऐसी कीज़ होती है, टू होता है ऊपर, एट साइन होता है, ठीक है. अब एट साइन को हम अगर हम सिर्फ टू को प्रेस करेंगे सिर्फ अकेले, तो हमारे पास सिर्फ टू ही अपेयर होगा हमारी मोनीटर पर. जब हम टू प्लस शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो तब हमारे पास एट साइन आएगा, ठीक है. तो ये दो कीज़ के कम्बिनेशन के लिए, ठीक है, यूज़ होता है, ठीक है. दूसरे की के साथ के मिलके एक की अपेयर करता है हमारे स्क्रीन पे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Shift key. There are two shift keys on the keyboard. One is on the left side of keyboard and other is on the right side of alphabet keys. Remember, shift key is used in combination with other keys. मैंने आप लोगों को बताया कि shift key जो होता है वो दूसरे keys के साथ मिल के, ठीक है, यूज होता है. For example, when a small key is used with number keys, when a shift key is used with number keys, you will get the symbols written above numbers. ठीक है, जब ये देखें, जैसे for example हमने एट साइन लाना है, ठीक है, ये है एट साइन, ठीक है. तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ टू हमारे पास कीबोर्ड पे जो होता है वो की होता है टू और ऊपर एट साइन होता है. अब जब हम सिर्फ इसको अकेले को इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास टू अपेयर होगा हमारी स्क्रीन पे, ठीक है. लेकिन जब हम टू प्लस शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एट साइन आएगा, ठीक है. तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, शिफ्ट की दूसरी की के साथ कम्बिनेशन करके एक की बनाता है. तो ये है हमारा होमवर्क. पेज नंबर 15. अरेंज द जंबल्ड वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूज, ठीक है. ये हमारे पास है, फिर इसके आगे क्या बना हुआ है, सिस्टम यूनिट. तो मींस ये क्या लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग्स को आगे पीछे किया हुआ है, तो हमने क्या लिखा, सिस्टम यूनिट. फिर ऐसे ही इसका क्या है, प्रिंटर है ये, तो PINRETR, तो प्रिंटर की क्या स्पेलिंग है, PRINTER, प्रिंटर. ऐसे ही आप लोगों के पास ये वर्ड हैं और ये इसके आगे पिक्चर बनी हुई है, तो जो ये है उसको ठीक करके यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है. नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें, कीबोर्ड बना हुआ है, फिर उसके साथ क्या बना हुआ है, मोनीटर, ठीक है. तो ये आप लोगों का होमवर्क. अल्लाह हाफिज़.